राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हम यहाँ आश्रम में रुके थे आज। हमें सेवा कर रहे हैं, बस लोगों की अच्छी जगह रुकने के लिए कम बजट में। हम लोग जानबूझ के इसी आश्रम में रुके। हमें फील करना था कि भैया कैसा होता है, कैसा क्या माहौल है। अभी हम चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर। परिक्रमा में 84 कोस यात्रा है ना, पूरा जो ब्रज के जो सारे गांव है आसपास के, वो सबकी 84 कोस की यात्रा होती है ना। तो अभी ये तो क्या, मुझे नहीं लग रहा अभी कर पाएंगे हम सके, और वृंदावन की परिक्रमा करेंगे 24 किलोमीटर की जो है वो करते हैं। चलो आ जाओ। अब ई रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा में टमटम भी बोलते हैं इसे, जा रहे हैं हम बांके बिहारी जी के मंदिर में। तो वहाँ से वो क्या कहाँ जाते हैं वो प्लान आते हैं, सोचते आते हैं, वो अभी कुछ प्लान नहीं है। राधा वल्लभ चलेंगे और फिर हम थोड़ा स्ट्रीट फूड भी खाएंगे। सो नाश्ता नहीं किया है अभी, सुबह उठने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन हमने सुना है कि भीड़ कम रहती है वहाँ पे। आज बुधवार है तो जैसे शायद भीड़ कम है यहाँ पे, ऐसा सुना है हमने। तो ठीक है, पहले चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। अगर कैमरा अलाउड हुआ तो दिखाएंगे आपको, तभी बाकी बाहर से ही दिखा पाएंगे, सॉरी तो दिखा दे रहते हैं आपको। क्या क्या मजा आया जो अभी, कैसा लग रहा है तुझे इसके अंदर? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये संगीता चश्मे बांके बिहारी जी के मंदिर में ही था शायद, वो सुना है चश्मे मतलब बंदर आके ले जाते हैं। हाँ बंदर ले जाते हैं चश्मे। हाँ ये भैया भी बोल रहे हैं बंदर ले जाते हैं चश्मे वहाँ पे भी। तो हम भी, हमने देखा नहीं है, वो सुनाई है काफी, तो देखना चाह रहे थे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो हम तो चश्मे लेके इसलिए जा रहे हैं ताकि बंदर लेके जाए, बंदर लेके जाए। तो चले अब बांके बिहारी चलते हैं। हाँ। राधे राधे। ये भैया तिलक लगाने आ गए हैं हमारे, अभी आप लोग ग्रुप में नहीं है। हम लोग तिलक लगाए थे, हम कैसे उतरते हैं उसके बाद में आप तिलक लगा दीजिएगा, है ना। राधे राधे। तिलक लगा दीजिए, तिलक लगा दीजिए। बस एक ही लगाना, पानी लगा ले पूरा, देखो बह रहा है उसका। हाँ बह रहा है, देखो दीदी पानी है, ये लोकल चप्पल है। तो काना के तिलक लगा दीजिए। बोलो जैसे अटके लगा, अब लगा साइड में अटके लगा, देख लेते। यहाँ पे हर मंदिर में जैसे दर्शन करने जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, ये तिलक लगा रहे हैं। राधे राधे। ये तंग गलियां और भीड़ तो इतनी जोरदार है कि आप खुद ही देख पा रहे हैं। विद्यापीठ बांके बिहारी जी, ये ढोकले मंदिर में जा रहे थे उससे पहले। फाइनली अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और सारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट क्या है, खाने से ज़्यादा है, पर अभी जो भी है कंजेस्टेड गलियों में बस यही काम है, ब्रेकफास्ट करके फिर हम दर्शन करने जाएंगे। अच्छा लगा था यहाँ पे खाना। चलो गेट से गो। कभी तो जल्दी चल जाकर चुड़ैल। अभी ये पेट दुखने लग गए थे तो अभी को तोप के लेके जाना पड़ रहा है। अभी तो मंदिर में से बहुत ज़्यादा दूर है, सो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 15 मिनट लगेंगे। राधे राधे। अब हम बांके बिहारी जी मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। अब हम अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। मेन मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब कब तक शूट करते हैं ये देख पाते हैं। मुझे लग रहा है कोई भी मोबाइल नीचे रखवा सकता है या कोई भी हमारा मोबाइल जब्त कर सकता है, पर अब क्या करें। बांके बिहारी के दर्शन हो गए हैं, अब हम राधा वल्लभ मंदिर की ओर चलते हैं। वैसे भी थक चुके थे यहाँ पे आके, अब तो हम चलते हैं। दर्शन
हमें राधा वल्लभ जी का रास्ता बताएगा। राधे राधे राधे। रास्ता बता रहा है। हाँ चलो चलो आप पीछे चलो, इधर उधर मत होना भाई, बाबू के पीछे चलना, बाबू के पीछे पीछे चलना, इधर उधर मत होना। बोलो राधे 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 राधे। राधा वल्लभ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर के अंदर आ गए हैं। पूरा राधा वल्लभ ऐसा लग रहा है, बहुत बड़ा पंखा है। राधा वल्लभ मंदिर के अंदर दिए लगाने का विशेष महत्व है। यहाँ हर श्रद्धालु और हर व्यक्ति सिर्फ दिए लगाने आता है। माता के दर्शन तो होते ही हैं राधा रानी के, पर दियों का विशेष महत्व है। श्रृंगार की रानी राधा रानी, सो हर व्यक्ति यहाँ पर दिए लगाने आता है। राधे राधे, मैया राधे की दर्शन हो चुके हैं हमें। मंदिर बड़ा प्राचीन है और बहुत प्यारा है। हमारे कैमरे में नहीं समाएगा मुझे ऐसा लगता है, पर जितना मुझे लगता है जहाँ तक हो सके मैं वे शूट करने की कोशिश करता हूँ। अगर पर मैं वो जो खूबसूरती तो कैमरे में नहीं ले पाऊँगा, पर जैसी ले पाऊँगा आपको दिखा दूँगा। तो चश्मा ले लिया इसके। आप बिना फ्रूटी के नहीं देगा है ना? अब इसे पीने के लिए फ्रूटी चाहिए। बंधन आके यहाँ पे चश्मे ले लेते हैं, वो आंटी जी का चश्मा ले लिया और लेके ऊपर चढ़ चुका है। अब वो फ्रूटी के बिना ये चश्मा नहीं देगा, लगता है उसे फिर देगा। फ्रूटी लेने जा रहे हैं क्योंकि चश्मा इन्हीं का लिया था। अब देखिए फ्रूटी लाने के बाद ये छोड़ता कि नहीं छोड़ता है, चश्मा देगा कि नहीं देगा फ्रूटी लाने के बाद। भैया फ्रूटी लेके आ चुके हैं, गिर गई। यस, फ्रूटी के बाद मैंने चश्मा दे दिया इसने। हमने सुना था कि फ्रूटी के लिए ये बंदे चश्मे ले लेते हैं, फोटो ये ले लेते हैं। आज एक भी लिया हमने लाइव ही अपने आंखों से, कि जैसे वो बंदा ने चश्मा ले लिया और फ्रूटी लेके वापस दे दिया है। आप लोगों ने देखा है? पेड़ों की गली में आ गए अपन। गब्बर सिंह कचौड़ी वाला बांके बिहारी में बहुत फेमस है, ये गब्बर सिंह कचौड़ी वाले। लोग कहते हैं बांके बिहारी के दर्शन नहीं होते, बहुत भीड़ होती है। हमारे तो ऐसे दर्शन हुए हैं कि है ना, गजब ही दर्शन हुए थे अपने। छोटे से कान्हा जी भी थक गए, चले मंदिर घूमे, बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हो गए हैं। और अब बड़ी हम क्या क्या होटल भी चेंज करने वाले थे, तो एक भैया से हमने उस होटल वाले से हमने मतलब कि उसका डायरेक्शन मंगवाया था। अब भैया के टेम्पो में बैठ के हम जा रहे हैं। यहाँ के जो टुक टुक चलते हैं उनमें बैठने का एक अलग ही आनंद है। सभी हम चलते हैं हमारी होटल की ओर और थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि अभी भी थक गया था। और कुल मिला के हम अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट नए ब्लॉग में।